कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में चल रहा है अंबिका सोनी का नाम सबसे आगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री बनने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेश किया 4.5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा यूपी के इतिहास का ये एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को देश के लिए बताया खतरा, कहा उनकी पाकिस्तान पीएम इमरान खान और जनरल बाजवा से है दोस्ती। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,682 नए मामले आए सामने, 281 लोगों की गई कोरोना से जान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश कर दिया गया है। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 4.5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिनके मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक 4.5 साल पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि यूपी में सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत काम किए, यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है। सरकार और संगठन के सामूहिक प्रयास से काम किए गए हैं और इस सरकार की सफलता में केंद्रीय नेतृत्व के निरंतर सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में इतिहास में यह एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। ये वही यूपी है जहां माफिया सत्ता के करीब रहते थे। 2012 से 2017 के दौरान पिछली सरकार में हर तीसरे चौथे दिन दंगा होता था, लेकिन हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है, अपराधियों के अवैध निर्माण को भी गिराया गया। उन्होंने कहा कि वो पहले सीएम अपने आवास पर बनने के लिए बनते थे, खुद के लिए हवेली और मकान बनवाने के लिए मुकाबला होता था। हम लोगों ने अपने आवास नहीं बनवाए, गरीबों को 42 लाख आवास दिए हैं, यही सुशासन है। तो आज योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है 4.5 साल का, तमाम योजनाएं, तमाम कार्यक्रम और तमाम उपलब्धियां उन्होंने जनता के सामने रखी हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूबी, सीएम योगी ने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश कर दिया, लेकिन सवाल यह है 4.5 साल कितने बेमिसाल रहे? पारुल, देखिए, इन्होंने एक सबसे पहले तो विकास पुस्तिका का विमोचन किया है और उस पुस्तिका में जो उन्होंने कहा है उसमें यही है कि 4.5 साल के दौरान कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है, 4.5 साल के दौरान भर्तियां जो हुई है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुई है। पिछले सरकार पे भी उन्होंने हमला बोला है जिसमें इन्होंने कहा है कि पिछले सरकार में जो भर्तियां होती थी उसमें परिवार पूरी तरीके से वसूली के लिए निकल पड़ता था जी। और चीन से निवेशक भी अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, यानी कि अपने आप को उन्होंने बताया कि योगी सरकार में ही कहीं ना कहीं निवेश ज्यादा हुआ है। वही 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर पोस्टिंग की इंडस्ट्री बन गई थी कि अभी लेकिन स्थापित किया गया, यानी कि अभी उसकी पूरी तरीके से जो नींव डाली गई है। और देश में लगभग 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम रहा है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने अपनी इस पुस्तिका के माध्यम से एक कहीं तारीफों के पुल बांधते जरूर नजर आए। और इसके साथ साथ उन्होंने पहले भी कहा है कि पहले के जो अधिकारी थे वो ताश के पत्तों की तरफ फेंटे जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो अधिकारी भी हमारे हिसाब से, यानी कि हमारे इशारों पे चलता है, कहीं ना कहीं उनमें कोई भी गोपनीयता नहीं होती है और सामने ट्रांसपेरेंट होता है। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि देश में जो 44 योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में वो सबसे पहला यानी कि प्रथम स्थान रहा है। और कहीं ना कहीं 2017 से लेकर देश में जो प्रदेश में ट्रांसफार्मर पोस्टिंग हुई है उसमें सबसे नंबर वन पे रहा है। अपनी जो खूबियां थी वो पूरी तरीके से पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किया है और इसके साथ ही साथ प्रदेश का जो माहौल है उन्होंने काफी अच्छा बताया, यानी कि इनका ये कहना रहा कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो योगी सरकार ने सबसे अच्छा निकल के आया है, दंगे कहीं नहीं हुए हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि काफी अच्छी पकड़ बना के रखी है। कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी महामारी को लेकर काफी ध्यान रखा है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में लगातार बनी रही है, जनता दरबार लगातार किए गए थे। यानी कि पारुल, कहा जा सकता है कि विपक्ष पे हमला बोलते हुए योगी सरकार ने अपने पूरे 4.5 साल की जो खूबियां थी वो गिना डाला।
बिल्कुल रूबी, देखिए अपराध को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों पर लगाम लगाई गई है। ये बिल्कुल बात सही है कि अपराधियों पर लगाम लगाई गई है, लेकिन देखिए अगर यूपी में अपराध की बात कर ली जाए तो वो पिछले काफी समय से ग्राफ जो है अपराध का वो बढ़ता हुआ नजर आया। देखिए योगी सरकार ये जरूर कहती है, जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तब भी कहा गया था कि अपराध पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन अगर अपराध की यूपी में बात कर ली जाए तो रूबी ये सच्चाई हर कोई जानता है कि यूपी में अपराध किस कदर बढ़ रहा है। पारुल, देखिए इनका ये लगातार ये कहना रहा है कि खासतौर से कानून वैसा काफी चाक चौबंद है, खासतौर से बेटियों की सुरक्षा को लेते हुए उन्होंने पिंक बूथ सेंटर भी बनाया था। हालांकि जगह जगह पे ये पिंक बूथ सेंटर बने जरूर है, लेकिन काफी जगहों पे ताला बंद जरूर नजर आता है। दूसरी बात, ये हर मंडल में इन्होंने कमिश्नर हो या डीएम हो या एसपी हो, उन्होंने साफ कहा था हर महीने में 2 महीने के तरह, यानी कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, आंकड़े निकालने होंगे कि हत्या कितनी हुई है, बलात्कार कितने हुए हैं, किडनैपिंग कितनी हुई है, और कहीं ना कहीं कानून को दुरुस्त रखने के लिए खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने कहा कि मैं लगातार इस सब चीजों की समीक्षा करता रहता था। तो कानून व्यवस्था हो या फिर ये कह सकते हैं विकास की बात हो, योगी सरकार को मौका आज जरूर मिला है अपनी तारीफ करने के लिए और खास तौर से विपक्ष पे हमला बोलने के लिए, क्योंकि सपा सरकार पे भी उन्होंने उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल बुरी तरीके से चरमराई हुई थी, बहु बेटियां घर से निकलने के लिए 10 बार सोचती थी, लेकिन हमारे काल में यहाँ पे लड़कियां जो है वो अपने घरों से आराम से निकल सकती हैं, रात के अंधेरे में भी अपने आप को। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से आज योगी सरकार ने 4.5 साल का कार्यकाल अपना कार्ड रिपोर्ट कार्ड पेश किया है अपने कार्यकाल का, तो क्या इसे ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए विधानसभा बेहद नजदीक, ऐसे में बीजेपी सरकार से जनता कितनी नाराज है वो हर कोई जानता है, तो क्या अपनी छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पे पारू, सही कहा आपने, क्योंकि मौका ये ऐसा ही मिला है इसको कि अपने जो जितनी भी गुणगान की जाए वो कम है, और ऐसे माध्यम से वो जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए इससे बेहतर उनको मौका नहीं मिलता। आज भले ही इनके 4.5 साल कंप्लीट हो चुके हों, समय अब बहुत कम बचा है, यानी कि उंगलियों पे इनके दिन बचे हुए हैं, और अब ये मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि इन्होंने 4.5 साल में क्या किया, यानी कि योगी सरकार को दोबारा फिर क्यों चुना जाए। तो आज इन्होंने पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करके आए थे यहाँ पे, पुस्तक जो थी खासतौर से उसमें इसी चीज को, यानी कि जो पॉइंट थे इसी खास तौर से तैयार किए गए थे कि योगी सरकार की उपलब्धियां क्या रही, और अब आगे जो काम बाकी रह गया है वो कितने कम समय में उसको वो पूरा करना चाहती है, और उस कामों को लेकर वो जुट चुकी है। तो मौका जरूर है, दस्तूर जरूर है अपनी खूबियों को गिनाने के लिए, और वो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आज प्रोग्राम को रखा है। खासतौर से सारी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लगातार अपनी इस तरीके से बैठकें की हैं, और इसके बाद भी एक कहा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, और उसके बाद ये बताया जाएगा, मीडिया को भी बताया जाएगा कि 4.5 साल की खूबियां क्या है। बिल्कुल रूबी, खूबियां बताने की कोशिश जरूर की गई है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा आज कि यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है। ये बात सही है रूबी के परसेप्शन काफी बदल गया है यूपी का देश और दुनिया में, क्योंकि कोरोना का दूसरी लहर की बात कर ली जाए तो WHO तक ने यूपी की तारीफ की थी, CM योगी की तारीफ की थी कि किस तरह से उन्होंने संभाली स्थिति और किस तरह से कोरोना को कंट्रोल में किया। लेकिन अगर अभी की बात कर ली जाए रूबी, परसेप्शन है, लेकिन फिर भी स्थिति कई जगह पर जस की तस बनी हुई है। वायरल फीवर डेंगू के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की जो तस्वीरें आ रही हैं, तो फिर कैसा परसेप्शन ये बदला है? पारुल, देखिए फिर वही बात यहाँ पे कहा जा सकता है कि मुंह या मिट्टू बनना, आज भले ही ये अपनी तारीफ कर रहे हो, लेकिन जब धरातल के स्तर पे बात की जाती है तो कमियां बहुत ज्यादा है अगर वो गिनवाने पे आए। खासतौर से गड्ढा मुक्त होना चाहिए, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें दिखती हैं। वायरल फीवर अभी भी लगातार चालू है, और हॉस्पिटल के जो हालात है, हमारी टीम ने खुद जाके सब जगह पे देखा था, काफी अभी भी जो नियम है उसके तहत पाए गए बेड नहीं है, अभी भी तीमारदार हो या मरीज हो भटक रहे इधर से उधर। तीसरी बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि अगर हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो उसमें भी इजाफा हुआ है। तो भले ही आज अपनी योगी सरकार तारीफ कर रही हो, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है, जीरो रिपोर्ट जो होती है, वो साफ देखने को मिलती है कि उतनी तारीफ करने के लायक नहीं है ये सरकार जितनी अपनी मुंह से अपनी तारीफ करते हुए आज नजर आ रही है।
जी बिल्कुल रूबी, चलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद आज योगी आदित्यनाथ ने खुद ये जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा है, जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, अपनी उपलब्धियां गिनाई है, अपने कामकाज का बखान किया है, अपने काम की तारीफ यहाँ पर की गई है कि किस तरह से 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने यूपी में जनता के लिए काम किया है, जनता को क्या क्या सौगातें दी, क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही, ये तमाम चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि शनिवार को उन्होंने कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर से कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए उल्लास का क्षण है, प्रदेश के 4 शहरों यानी कि लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल का सफल संचालन किया जा रहा है। कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 5 अन्य प्रमुख शहरों जैसे कि गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में मेट्रो के लिए GPR तैयार या अंतिम चरण में है। इन शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में मेट्रो जैसा सुरक्षित और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज की आवश्यकता है। 30 नवंबर के आसपास हम कानपुर और आगरा मेट्रो को देश को समर्पित करने की स्थिति में होंगे। हमारा प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका शुभारंभ कराया जाए। हरदोई में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए ITBP के जवानों द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान ITBP के जवान सभी को एकजुटता, अनुशासन में रहने का संदेश देते हुए नजर आए। वहीं जब ये यात्रा हरदोई पहुंची तो जगह जगह पर लोगों ने इस यात्रा का जमकर स्वागत किया। बता दें कि साइकिल यात्रा का नेतृत्व डिप्टी कमांडर असगर हुसैन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आजादी अमृत महोत्सव मनाने के लिए 37 सदस्य दल 16 अगस्त को निकला था, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ITBP अपने आदर्श वाक्य और दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा, एकजुटता और अनुशासन का संदेश देता है। उन्होंने कहा हमें आजादी दिलाने वाले महापुरुषों को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस यात्रा में स्वच्छता, एकजुटता के साथ और रहने को लेकर संदेश भी दिया जा रहा है। तो बता दें एकजुटता का संदेश लेकर ITBP के जवानों ने ये साइकिल यात्रा निकाली, जहां पर हरदोई पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे हो गए। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी क्रम में ITBP द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो कि ईटानगर से 15 अगस्त को शुरू हुई थी और ये राजघाट को 2 अक्टूबर को पहुंचेगी। ये मोर देन 2000 किलोमीटर यात्रा तय करेगी और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स, मोटो, टारगेट्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट में देश में एकता की भावना को बढ़ावा देना, देश में जो लोगों में एकता आएगी उसको, एकता के लिए कार्यक्रम करें, कुछ भी इस तरह में करें, हम एकता को बढ़ावा देना। दूसरा है देश में नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, राष्ट्रीयता की भावना को पैदा बढ़ावा देना। थर्ड वन है कि देश के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें दी हैं, उनको याद करना, उनको ग्लोरीफाई करना, और जो नई जनरेशन है आज की हमारी वो उनको भूलती जा रही है। जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ही एक इवेंट रह गए थे जिसमें कि हम झंडा फहरा के मातृ को औपचारिकताएं पूरी करते थे। वहीं सुल्तानपुर में नगर के खुर्शीद क्लब मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नाम पर बने बार एसोसिएशन के सभागार पर सिपाहियों ने चेहरा दिखाने की होड़ में उनके नाम के ऊपर ही होर्डिंग लगा दी। इतना ही नहीं, सिपाही इतनी हड़बड़ी में थे कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की पूरी फोटो लगाना उचित नहीं समझा और सभा स्थल के ठीक सामने होर्डिंग लगा दी। ऐसे में इसी के से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिपाही प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की जनसभा को
लेकर कितने गंभीर हैं। वहीं मामले में एक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता संजय सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने सपाइयों के इस काम की निंदा की है। अमेठी में दो दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के कहर से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जहां लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और खाने पीने का ठिकाना नहीं है, घरों में जहरीले कीड़े घुस आए हैं, ऐसे में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी जिले में बारिश के चलते दीवार गिरने से एक साथ तीन बच्चों की जान जा चुकी है और कई घरों की दीवारें पानी की नमी के चलते कभी भी गिरने की कगार पर आ चुकी हैं, जिससे हमेशा किसी अनहोनी का डर बना रहता है। वहीं मामले में प्रशासन की ओर से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ऐसे में अमेठी के तिलोई तहसील क्षेत्र के छोटी लोदवरिया गांव का ये पूरा मामला है। तो अमेठी का ये पूरा मामला है जहां पर मूसलाधार बारिश से घरों में पानी किस कदर भर गया है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी भर गया है और ऐसे में लोगों को पानी से गुजरकर ही अपना काम करना पड़ रहा है और पानी से होकर ही दूसरी चीजों के लिए उन्हें इधर से उधर जाना पड़ रहा है। हालांकि पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों के घरों में जहरीले कीड़े भी अब आने लगे हैं। ललितपुर में एक युवक के साथ जंगल में घूमने गई छात्रा को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और जबरन उनका वीडियो बनाकर चेहरे पर बांधे नकाब उतार दिया। यही नहीं, छात्रा उनसे वीडियो नहीं बनाने के लिए गिड़गिड़ाती रही लेकिन युवक नहीं माने। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया जिसके बाद हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल के मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़ित युवक और छात्रा को खोजा जा रहा है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। बताते चले कि ललितपुर जिले में दो दिन से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो कोतवाली ताल बेहद क्षेत्र के ग्राम पंचायत खांदी के पास स्थित उड़वा ताल के जंगल का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ ग्रामीण युवक वहां जंगल में बैठे एक छात्रा और उसके साथी युवक की जबरन वीडियो बना रहे थे। वहीं छात्रा के साथ अभद्रता कर रहे थे, ऐसे में छात्रा वीडियो बनाने के लिए मना करती रही। यही नहीं, उनमें से कुछ युवक ने छात्रा और युवक के चेहरे पर बंधे कपड़े को भी हटा दिया। छात्रा ने वीडियो बना रहे युवक के लिए पास में खड़े एक युवक की कुल्हाड़ी छुड़ाकर मारने की धमकी भी दी लेकिन युवक द्वारा उससे कुल्हाड़ी छीन ली गई। जब छात्रा बार बार उनके आगे चिल्लाती रही कि वीडियो नहीं बनाओ, वो हाथ जोड़कर कान पकड़कर बोलती रही लेकिन ग्रामीण युवक नहीं माने। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा उनका पता बार बार पूछा गया जिसमें छात्रा और युवक द्वारा अपना पता पहले पूरा कला फिर खादी बताया गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने छात्रा और उसके साथ साथी को जाने दिया लेकिन इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल के संबंध में पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने बताया कि वीडियो बनाने वाले युवकों को चिन्हित कर लिया गया है लेकिन छात्रा और युवक का पता नहीं चल सका कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी खोजबीन की जा रही है। अंबेडकर नगर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बेहतर काम किया है। कोरोना काल में जब सब बंद था तब किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चीनी मिलों को सुचारू रूप से चलाया गया ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। किसानों को अब तक का गन्ना भुगतान कर दिया गया। आंदोलन कर रहे किसानों के सवाल पर मोहसिन रजा ने कहा, जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, किसी की दुकान है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री मोहसिन रजा प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने अकबरपुर सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मथुरा जनपद के छाता थाना क्षेत्र के गांव तरौली सुमाली में 15 सितंबर को पानी को लाने को लेकर मामूली विवाद हो गया था जिसके बाद झगड़े का एक लाइव वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो पक्ष में हुई मारपीट में जहां जाटव समाज के लोग ठाकुर जाति के लोगों पर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे थे। बताया गया है कि हमले के बाद एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें पहले मथुरा के सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ से उन्हें अब गंभीर हालत के चलते आगरा रेफर कर दिया गया है लेकिन अब
ये मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मामूली कहासुनी और झगड़े को जहां पुरानी चुनावी रंजिश मानकर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियों और विशेष समुदाय के संगठनों ने दलित बनाम दबंग का नाम दे दिया है और सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। दरअसल इस पूरे मामले को परत दर परत देखें तो 15 सितंबर की सुबह आरओ के पानी की गाड़ी मुख्य रास्ते पर खड़ी थी, जिससे जाटा समाज के कुछ लोग पानी लेकर आ रहे थे। उसी वक्त ठाकुर समाज का एक व्यक्ति खेत पर जाने के लिए अपनी बुग्गी लेकर वहां पहुंचा और रास्ता बंद देख उन्होंने गाड़ी को हटाने के लिए कहा, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच लाठी डंडे भी चल गए। भाभी एक गाड़ी ढाड़ी पानी की और बुग्गी ने करी जा रही, बुग्गी वाले झगड़ा होगा मेरे बच्चा का पास गा रहे छत पे, बस झगड़े देख के वे नीचे उतर आए। जाट भाई एक भाई एक गाड़ी दे रहे, भाई सबन ने गाड़ी चू दे रहे और बे कुड़हारी मेरे बेटा न के कुड़हारी है दो न के पति के और बेटा न के मुँह कोई नहीं आए ना मिल लो मेरे लड़का कर ले माँ दे ले आए अस्पताल थे और कर लेते अब तक पता ही ना है, न तो मेरा घर भेजो न मेरा अस्पताल भेजो, मर को जब मैं कहा करूँगी। अच्छा जो धारदार हथियार से जो हमला किया है वो कौन लोग हैं? मेरे तो पप्पू है, एक खिल्लू है, ठाकुर है, ठाकुरिया है और तीसरा जगदीश है। लड़ाई चमार ठाकुर में तो वही है जी जी, अभी हम सारे आदमी मतलब सारे आदमी बिगड़ रहा है। अच्छा बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बच्चे भी हैं जो नाबालिग बच्चे निर्दोष ले रहे हैं। अच्छा ये जो जाटवों ने लिखवाए हैं जाटों ने कहीं बिन्नी लिखवाए जो मतलब परे क्या है जेल में। अच्छा वो अस्पताल में परेगा फिर नहीं लिखवाए ना के नुत काम लिखवाए। अच्छा जो नाबालिग बच्चे हैं उनका नाम किसने लिखवाया? बताया जा रहा है कि जाटव समाज की वजह से लिखवाया गया है, उन्होंने एससी एक्ट कोई धारा लगवाई मैं तो यहाँ नहीं कह सकती कौन लिखवाया। यूपी के कानपुर देहात में एक युवक को गांव के लोगों ने तालिबानी सजा देते हुए उसका मुंह काला करके चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल युवक पर आरोप था कि उसने गांव की एक लड़की की फोटो खींचकर अब उसको परेशान किया करता था, जिसके बाद उसको ऐसी सजा खुद उन लोगों ने दी जिन्होंने युवक पर आरोप लगाया था। मामला कानपुर देहात के सट्टी थाना क्षेत्र के अफसरिया गाँव के मड़िया का है, जहाँ बताया जा रहा है कि गाँव के ही रहने वाले राम स्वरूप और जानकी प्रसाद पड़ोसी हैं। जानकी प्रसाद की पत्नी का आरोप है कि राम स्वरूप के लड़के अनूप कुमार ने उनकी लड़की के साथ कई महीने से छेड़छाड़ बदतमीजी कर रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई थी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब घर पर कोई नहीं था तो वो घर में घुस आया और लड़की से बदतमीजी कर उसकी फोटो खींच कर ले गया और लड़के के घर वालों ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है और ऐसे में लड़के के परिजनों का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा लिखा जाए। वहीं लड़के की मां देवी ने बताया कि मेरा बेटा गुजरात के सूरत में नौकरी करता है और उसकी तबीयत खराब होने पर हम लोगों ने उसे घर पर बुला लिया, ऐसे में पड़ोस के रहने वाली जानकी प्रसाद की पत्नी और उनकी बेटी घर के सभी लोग मेरे घर में आए और मेरी बहू के साथ मारपीट छेड़खानी करते हुए मेरे बेटे को अपने घर ले जाकर उसको पीट दिया। हमारे बेटे के साथ यह घटना हुई है कि मेरा बेटा हमने बुलवाया है सूरत से तबीयत खराब में ये आए माए घर है तो इनने माए लड़का के मारो है। कौन कौन लोग थे? उनकी पत्नी अति उनकी बहन अति और ये सब अते और बहू माई के मारा है छेड़खानी करी बहू के मारो है और इनने और लेके करिया मुँह करो जाए और माला पहनाए देखो चप्पलन को। क्या आरोप लगाया लोगों ने? या आरोप लगाए माए लड़की किन्ने मारो कूटो है। हाँ घर पे कोई अथे नहीं और मतलब भी भर्ती अथे हमारे ससुर भी और हमारे लड़की को जबरदस्ती छेड़खानी की और जबरदस्ती इनकी फोटो टू खींच ले गए। तो कितने दिन हो गए इस मामले? हो गए 3 महीने तक। आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया थाने में? अब थाने में दिया 3 एप्लीकेशन दिया वो कुछ सुनाई नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया है भी गलत है सर। तो अभी आप थाने गई थी कल? कल गए थे थाने। क्या कार्रवाई? उसके कुछ नहीं कार्रवाई करी है। मैं सर यहाँ लेटा था सूरत में थे तो वहाँ तबीयत खराब हो गई थी तो वहाँ से आए तो महिला बोतल चढ़वाने लगे
मैं कल भी बोतल चढ़वाने जा रहा था, तभी लोग आए हमें यहाँ से मारा और लेके चले गए। अब भाभी को मारा, मेरे रुपए यहाँ पर रखे, तुमने कि मैं बोतल चढ़वाने जाऊँगा वहाँ, तो ले भाभी रख दो, तो उनने रखने लगे। जब तक के आ गए, भाभी को भी मारा और हमको मारा, और घर पर लेके जाके मुँह काला करा, जाके वहाँ पर ब्लड गिरने लगा मुँह नाक से। तो कानपुर देहात का ये पूरा मामला है जहां पर युवक को गांव के ही लोगों ने तालिबानी सजा दी। हालांकि युवक पर आरोप लगाया कि पड़ोस की रहने वाली लड़की के साथ वो छेड़खानी करता था, बदतमीजी करता था और उसका फोटो खींचकर वो ले गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।